हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे तो आज अपन लोग पढ़ेंगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है तो टॉपिक शुरू करने से पहले यार एक चीज़ दिखाना चाहूँगा ये मैं इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल लीव कर देते हैं तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग लगता है ठीक है तो आप तो अच्छे आदमी हैं सब्सक्राइब कर ही देंगे चलिए ठीक है टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर ठीक है तो आज के टॉपिक में अपन पांच चीज़ें कवर करेंगे पहला है कैप्लर के लॉस दूसरा है न्यूटन के लॉ ग्रेविटेशन के तीसरा है इन्वर्स रिलेशन आर स्क्वायर से ही क्यों होता है ये वैसे तो कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन लॉजिकली सोचने वाली बात है ठीक है तो ये मैं आज आपको बताऊँगा कि आर स्क्वायर ही क्यों आता है आर क्यों नहीं आता है या फिर कुछ भी मतलब इसके अलावा आर क्यूब क्यों नहीं आता है ठीक है नेक्स्ट अपन देखेंगे एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है ठीक है उसका डेरीवेशन देखेंगे नेक्स्ट है वेरिएशन फैक्टर्स ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है तो अपन सबसे पहले अपना पहला टॉपिक देखते हैं कैप्लर के लॉस ठीक है यहाँ अपन हाईलाइटर की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए चले देखिए देखो सूरज भी पीला है अपने यहाँ पे तो सूरज के नमकीन होते हैं ठीक है तो कैप्लर ने तीन लॉस दिए थे पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट ये क्या कहता था कि ये इलेक्ट्रिक इलेप्टिकलप्टिकल होती है ऑर्बिट मतलब कोई भी प्लेनेट घूमता है तो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है ठीक है और दो फोकस होते हैं किसी भी एलिप्स के ठीक है तो सन उनमें से एक फोकस में होता है यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में हो गया ये थोड़ा साइड में या तो इस साइड में होगा या इस साइड में होगा ठीक है नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अगले लॉ पे इसे कहते हैं अपन एरियल लॉ या फिर लॉ ऑफ एरिया ठीक है इसमें अपन क्या देखते हैं एरियल वेलोसिटी जो है एरियल वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहती है ठीक है या फिर एरिया जो स्वीप होता है वो इक्वल होता है मतलब कि ये जो इसमें लाल लाल रंग का एरिया दिख रहा है मतलब मैं कुछ टाइम टी तक चला ठीक है मान लीजिए तीन महीने में प्लैनट यहाँ से यहाँ तक जाता है और वही प्लैनट तीन महीने में यहाँ से यहाँ तक जाता है ठीक है तो जो एरिया स्वीप होगा ये पूरा और ये पूरा ये दोनों इक्वल होंगे यानी कि अपना एरिया वन एरिया टू के बराबर होगा ठीक है अगला आता है ऑफ पीरियड्स ठीक है इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये केवल इतना कहता है कि जो स्क्वायर होता है ना स्क्वायर किसका टाइम पीरियड का जिसमें एक रिवॉल्यूशन करता है ठीक है प्लेनेट वो किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के यानी कि सेमी मेजर एक्सिस के ठीक है एलिप्स की सेमी मेजर एक्सिस ठीक प्रोपोर्शनल होता है प्रपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बाद में अपन इंट्रोड्यूस करेंगे तो ब्रो ये है सबसे पहला कारनामा टी वन टी वन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसी के नहीं भैया टी वन का स्क्वायर था किसके आर वन के क्यूब के और टी टू टी टू कुछ नहीं है बस यहाँ पे दूसरा प्लेनेट का टाइम है तो इसका स्क्वायर सॉरी यहाँ गलती हो गई इसका स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा आर टू के क्यूब के बस यहाँ से अपना न्यूमेरिकल बन सकता है ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है एक दो नंबर में अगर आएगा तो ठीक है नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ठीक है कुछ नहीं भाई मेरा एक जॉन सीना है और एक और रेस्लर ले लो जैसे धर्मेंद्र पाजी ठीक है दोनों मिलकर किसी ट्रैक्टर को धक्का लगा रहे हैं तो भाई ट्रैक्टर पे फोर्स जो लगेगा वो किस किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा ठीक है वो अपन देखते हैं वो पहली चीज़ प्रोपोर्शनल होगा एम वन यानी कि जॉन सीना के मास के जो भी अपन ने लिया था पहला मुझे याद नहीं दूसरा अपना धर्मेंद्र पाजी के ठीक है।, है दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है ये अपन ने लिख दिया सेकेंड अपन ने क्या देखा फोर्स वन अपॉन आर स्क्वायर आर स्क्वायर यही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे आर स्क्वायर ही क्यों लिया है ये मैं अभी बताऊँगा आपको ठीक है डिस्टेंस के स्क्वायर के ठीक है मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया वन इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर दो ठीक है इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूंगा तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है जैसे ही मैं प्रपोशनैलिटी कॉन्सटेंट ए सॉरी प्रोपोर्शनल हट साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे एक प्रपोशनैलिटी कॉन्सटेंट इंट्रोड्यूस होगा ठीक है इसे मैं कहता हूँ कैपिटल जी यह है मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट ठीक है अब अपन देखते हैं वन अपॉन आर स्क्वायर ही क्यों आया था तो ब्रो एक बात बताओ यार आ, कभी नोटिस किया कूलम फोर्स में भी अपन ने देखा था वन अपॉन फोर पाई एफ सी नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं अपॉन में आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर ही क्यों लिया इसका एक सिंपल सा रीज़न है वो रीज़न यही है कि जहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है स्टेबिलिटी फैक्टर है ठीक है अगर ज़्यादा स्टेबल है सिस्टम फोर्स का सिस्टम अगर ज़्यादा स्टेबल है तो अपन क्या देखेंगे अपन को ये पता चलेगा कि वहाँ पे आर स्क्वायर होगा ठीक है एक जैसे अपन लेते हैं आ, एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रपेटल फोर्स ठीक है तो यहाँ पे नीचे आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लेकिन क्या ये सिस्टम बैलेंस होता है आप देखो मोड अपन लेते हैं तो सेंट्रपेटल फोर्स के चक्कर में भड़ाम गिर पड़ते हैं ठीक है मैक्सिमम टाइम जैसी फोर्स ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है ग्रेविटेशनल सिस्टम या फिर ये सेंट्रिपिटल आपको मालूम है ग्रेविटेशनल क्यों क्योंकि यहाँ पे वन बाय आर स्क्वायर आता है ठीक है कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है यहाँ पे सबसे पहला टर्म अपना इंट्रोड्यूस हुआ ग्रेविटी तो यह ग्रेविटी होती क्या है कुछ नहीं डिफाइन डिफाइन करें तो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी ठीक है अर्थ जो फोर्स लगाती है ध्यान दीजिएगा फोर्स अर्थ जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगाती है कैसी फोर्स होती है एट्रैक्टिव होती है नेचर में ठीक है उसे अपन क्या कहते हैं ग्रेविटी ठीक है अब आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अपन को पढ़ना है ठीक है फोर्स क्या होता है भाई फोर्स अपन सबको पता है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ए है ये ठीक है तो ये जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशन ग्रेविटी की वजह से वो क्या होता है अपना एक्सेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है देखते हैं एफ इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर अभी अभी अपन ने ऊपर निकाला है ठीक है तो एफ क्या होता अपना? A. यहां पे क्या की है अपना एम ए यहाँ पर एक ही जगह अपन क्या रखेंगे जी जो कि अपना एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो किसके बराबर हो जाएगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर छोटे एम से छोटे एम मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया मेरा एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है ये मेरा स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये अपना आज का लास्ट टॉपिक है वेरिएशनल फैक्टर्स ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है चार फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये एक्सीशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अपनी वो डिपेंड करती है पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ हाइट जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे ग्रेविटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा अगला है डेप्थ जैसे जैसे अपन गड्ढा खूब के अंदर जाते जाएंगे और ज़्यादा अंतर अर्थ के सेंटर में ग्रेविटेशनल पुल जीरो होता है कई मूवीज़ में भी आपने देखा होगा हॉलीवुड में ठीक है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ठीक है हम सबको मालूम है अर्थ बिल्कुल ही राउंड नहीं है हल्की सी टिल्ट है मतलब टिल्ट बोले तो ऊपर से हल्का सा फ्लैट टाइप है तो उसका भी कुछ ना कुछ असर होता है ठीक है और इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ ठीक है अब चूंकि सन के अराउंड रोटेशन कर रही है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो असर होता ही होगा तो ये अपन पढ़ेंगे अपने अपकमिंग वीडियोज में ठीक है तब तक के लिए टाटा बाय बाय सब्सक्राइब कर देना